आज के सीरीज में दोस्तों हम जो कलर इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलिश के लिए, इसके बारे में आपको मुकम्मल मालूमात देने वाला हूँ। तो इसमें हमारे पास जो हैं वो दो कलर के आयल ट्यूब हैं, बार अंबर और रॉ अंबर, ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आयल ट्यूब आपको ये पेंट शॉप से जो है वो आसानी से मिल जाएगी, इसको आप आर्टिस्ट ट्यूब भी कह सकते हैं। अगर आपको ये वहाँ से नहीं मिलती तो आप ये किसी आर्टिस्ट से जाकर पूछ सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा जो है इसको इस्तेमाल करते हैं पेंटिंग के लिए। एक ऑयल ट्यूब में हमने तकरीबन 250 मिलीलीटर मिट्टी का तेल वो डाल लेना है और इसको हमने अच्छी तरह से हल कर लेना है। तो इसमें हमने दोस्तों तकरीबन 3 आयल ट्यूब वो इस्तेमाल की हैं। तो इसमें हमने तकरीबन 3 आयल ट्यूब में वार्निश डालनी है, ये तकरीबन 2 चम्मच के बराबर मकदार में इसमें डाल लेनी है। तो इसके बेस में हमने जो पेंट लगाया है दोस्तों, ऑयल पेंट, वो है दीवार कलर का। इसमें आप बीच कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो अब ये जो हमारी पॉलिश है दोस्तों वो अब मुकम्मल हो चुकी है। तो इसको हमने खुश्क होने के लिए तकरीबन 24 घंटे देने हैं। तो इसके बाद हमने इसके ऊपर जो है वो दूसरा कोट लगाना है। तो इसी हमने जो बेस में इस्तेमाल की थी इसको हमने इसको अब कपड़े के साथ लगा देना है। इसमें हमने ब्रश इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि वो तो ऑलरेडी इसमें जो है वो डिज़ाइन वो तैयार हो चुका है। तो इसको प्रेस करने से जो है वो थोड़ा सा कलर हमारा है जो वो डार्क हो जाएगा। तो ये आप देख भी सकते हैं इसमें हमारा जो डिज़ाइन है वो भी नीचे से जो है वो नज़र आ रहा है और हमारा जो है कलर वो थोड़ा सा डार्क हो गया है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा।